हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। मेरा नाम है आबिद। गाइस आज मैं आपको रिपेयर रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ कि एसी जनरेटर। गाइस ये जनरेटर जो है डायरेक्ट वेल्डिंग करता है, डायरेक्ट वेल्डिंग वाला जनरेटर है। तो गाइस इस जनरेटर को हम रिपेयर करेंगे। इसका जो एसी वाला सर्किट है 220 वाला, जिस पर हमें बल्ब जलाना होता है, ग्राइंडर चलाना होता है या कुछ और छोटी मोटी मोटर चलानी होती है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसकी जो है रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसकी जो है एसी वाली वाइंडिंग वो ख़राब हो चुकी है। जो करंट वाली यानी कि जो वेल्डिंग वाली वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो हम उसको हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। मैं आपको उसमें बता दूंगा कि वो कैसे वाइंडिंग की जाती है। और बाकी जो है एसी वाला सर्किट है मैं वो पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। गाइज उसमें बहुत सारा झंझट है और बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है। तो गाइज मैंने इसमें एक एक चीज़ कंप्लीट बिल्कुल आपको बताई है, और जैसे मतलब उसमें एक एक पॉइंट जैसे मुझे काम करना होता है सब कुछ मैंने क्लियर करके बताया है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को ना छोड़ें। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। और जब ही आपको समझ पाए होगे कि मतलब कनेक्शन हमें कैसे करने हैं, मैंने उसमें कनेक्शन भी पूरे करके दिखाए हैं, सेट भी कैसे बनाने हैं, टोटल चीज़ें मैंने करके क्लियर बता दी है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताया था। मैंने अभी इसकी वाइंडिंग नहीं खोली है, उसके बाद में मैं खोलूँगा। तो पहले ये आप देख सकते हैं कि इसका एसी वाला सर्किट है, और ये जो है इसका करंट को कम या बढ़ती यानी कि जो इसके एम्पियर हैं 400 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन है, तो उसके एम्पियर 200 300 250 इतने करने के लिए यानी कि करंट कम करना है वेल्डिंग के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो लूप है। तो आपको दिख पा रहा होगा ये एसी वाला सर्किट ऊपर पड़ा हुआ है, ये एसी वाला सर्किट जो इसका ख़राब हो चुका है, ये हमें दोबारा से वाइंडिंग करना है। ये इसकी फील्ड है जो आर्मेचर में आती हैं, इसकी फील्ड है। तो गाइस जो बॉडी इसका करंट बनाती है, बॉडी में इसकी करंट है और आर्मेचर में इसकी जो है फील्ड है। तो गाइस यहाँ पर मैंने तार ले लिया है, अब इसको वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तार मैंने ले लिया है 19 नंबर का, डबल वायर ले लिया है 19 गेज की, मैंने कॉपर वायर 19 गेज डबल ली है। इसकी कंपनी भी मैंने अच्छी ली है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये एटलस कंपनी की तार है, काफ़ी महंगी है। अब जो मुझे इसके सेट बनाने होंगे तो इसकी पिच जो है 8 और 10 है। तो गाइस ये 8 पिच के जो है हमें सेट पे फर्मा सेट करना होगा। 8 पिच के लिए हमें 4 कॉयल बनानी होंगी पिच 8 के लिए 18 चक्कर की। तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लंबा करके इसको तार को रखना होगा, क्योंकि ये वायर डायरेक्ट बाहर निकलेगी और ये न्यूट्रल वायर होगी। तो ऐसे ही हमें सभी वायर लंबी लंबी करनी है। सेट इसमें काफ़ी सारे बनेंगे, जो 18 चक्कर वाली जो कॉयल है ये 4 कॉयल का सेट बनेगा, यानी कि 4 कॉयल सब में जो है ना 4 कॉयल जो 18 चक्कर डलेंगे सभी के अंदर। तो गाइज इसमें जो है ना ये 18 चक्कर की पिच 8 पे डलेंगी, 4 कॉयल यानी कि ये 4 सेट हैं इसके, 4 कॉयल नहीं गाइज, 4 सेट हैं। अब ऐसे ही जो है हमें एक सेट तो हमारा कंप्लीट हो, यानी कि एक सेट ये कंप्लीट हो गया, यानी कि एक कॉयल यानी कि एक सेट। तो गाइज इसमें जो है एक कॉयल ही एक सेट है, समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली कॉयल यानी कि दूसरा सेट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो एक कॉयल एक ही सेट है इसका, 18 चक्कर की हमें ऐसी 4 कॉयल बनानी होंगी जो अलग अलग यानी कि 4 सेट इसके कंप्लीट हो जाएंगे 18 चक्कर वाले। तो गाइस यही कनेक्शन हमें इसमें करने होंगे डायरेक्टली इन्हीं के। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे चौथी कॉयल बनानी है। तो थोड़ा मैं स्पेस बना रहा हूँ इसके अंदर ताकि मुझे चौथी वाली कॉयल बन सके। तो गाइस यहाँ पर चौथी वाली कॉयल हम इसकी 18 चक्कर की बना के कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं 18 कॉयल के। अब इसकी लंबी वायर हमें दूसरी वाली भी काटनी होगी, इसके आउटर वायर हमारी बनी है। अब इसको हम इस पे से हटा देंगे, यानी कि हमें फर्मे से इसको उतार लेना है। अब फर्मे से उतारने के बाद इसका वेट चेक करते हैं, यानी कि 580 ग्राम इसका वेट आया है। तो पुरानी वाली जो है कॉयल्स हैं इनका भी चेक कर लेते हैं, ये भी 18 चक्कर हो। तो गाइज ये पुरानी वाली जो कॉयल है इनके भी 18 चक्कर हैं, तो मैं इसका वेट चेक कर लेता हूँ। तो 581 ग्राम यानी कि 1 ग्राम का फ़र्क आ गया। तो गाइज अब हमें बनानी होगी 2 चक्करों की, यानी कि 2 टन हमें इसके अंदर डालने हैं। ऐसी 4 कॉयल बनेंगी फिर से पिच 8 के लिए, यानी कि पिच 8 वाला जो फर्मा हमारा उसी फर्मे पे बनेंगी ये 2 चक्कर की कॉयल। तो हमने ये 2 चक्कर की एक कंप्लीट हो चुकी है, अब ये दूसरी वाली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 2 चक्करों की कॉयल हमें ऐसी 4 कॉयल बनानी होगी जिसमें हमें 2-2 टन डालने हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2-2 टन की हमें ये सर्किट जो हमारे 4 वायर बाहर निकले हुए हैं ना, उन 4 वायर में से कोई एक वायर ये बनेगी। तो मैं इसे कनेक्शन भी आपको जब करूँगा, मैं इसको वाइंडिंग जब करूँगा आपको इसे कनेक्शन पूरे कंप्लीट बताऊँगा। ये वायर कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें फिर से 4 सेट बनाने होंगे पिच 8 के लिए जो 3-3 टर्न के होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर 2 टर्न वाली वाइंडिंग हो चुकी है, 18 टर्न वाली वाइंडिंग हो चुकी है, यानी कि 18 टर्न वाली जो है कॉयल वो बन चुकी है, 2 टर्न वाली बन चुकी है, अब ये 3 टर्न वाली बनेंगी। तो गाइज़ ऐसे ही हमें ये पिच 8 के लिए 3 टर्न वाली बनानी होगी, फिर उसके बाद हम 4 टर्न की बनाएंगे, समझ पा रहे हो आप। तो गाइज यहाँ पर हमें यानी कि 4
चार एक, यानी कि एक स्लाइड के अंदर पिच आठ में हमें चार सेट डालने होंगे, चार चार कॉयल डलेंगी, 18 चक्कर की, 2 चक्कर की, 3 चक्कर की और 4 चक्कर की। आप समझ पा रहे हो कि 4 टन की जो है कॉयल इसके अंदर हमें डालनी होगी। तो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा कैसे कैसे हमें डालनी है। तो यहाँ पर हमारी 2 टन वाली और 3 टन वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमें 4 टन की बनानी होगी, तो गाइज़ यहाँ पर मैं इसकी 4 टन वाली बनाता हूँ। तो गाइज़ इसमें हमें 4 टन यानी कि एक कॉयल के अंदर 4 टन डालने होंगे, केवल 4 टन, जैसे हम उनमें 2 टन डाले हैं 3 टन डाले हैं। तो गाइज इसमें आप समझ पा रहे हो कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये गाइज यहाँ पर जो है पिच 8 पर ही डलेंगी, ये सब पिच 8 पर ही ये सब डलेंगी। आपने देखा होगा कि उसके अंदर 3 स्लॉट खाली हैं बीच में, बाकी में डीसी वाली वाइंडिंग डली हुई है, यानी कि जो डायरेक्ट वेल्डिंग वाली है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको कट करके हटा देता हूँ। अब हमें बनानी होगी पिच 10 के लिए 10-10 चक्कर वाली कॉयल, यानी कि 4 बनानी होंगी, वो भी 10-10 टन वाली 4 कॉयल बनेंगी, जो मतलब पिच 10 पे डलेंगी। तो इसका फर्मा हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका फर्मे का साइज़ ले लिया है और इसको बढ़ा करके बड़ा कर लिया है, यानी कि पिच 10 के हिसाब से उसी कॉयल में से निकाला है। इसमें भी वायर हमें ऐसी लंबी करनी होगी, वायर हमें लंबी सभी में रखनी है, यानी कि 16 इंच से 18 इंच के बीच लंबाई रखनी है इनकी। तो गाइज़ यहाँ पर हमें पूरे 10 टन इसके अंदर डालने होंगे, एक कॉयल के अंदर 10 टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वाली वायर, अब ये दूसरी वाली कॉयल बनाएंगे इसकी, यानी कि इसमें जो है हमें पूरा सर्किट कंप्लीट होगा इसका, यानी कि इसमें जो सर्किट है काफ़ी सारे, यानी कि 5 सर्किट हैं गाइस इसके अंदर, 18 चक्कर वाला, 2 चक्कर वाला, 3 चक्कर वाला, 4 चक्कर वाला और 10 चक्कर वाला, पूरे 5 सर्किट है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया है। अब हटाने के बाद मैं इसका जो है आपको बताता हूँ, इसका टोटल जो वेट हमारा है इसके अंदर जो हमें लगाना है वो 1 किलो 350 ग्राम लगाना है, यानी कि आपको इतनी वायर ले लेनी है। तो गाइस अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसके सेट के बीच में 3-3 स्लॉट जो है वो खाली है, और 36 स्लॉट इसकी टोटल है, यानी कि 9, 5, 7, 9 के हिसाब से 9 × 18 = 27, 9 × 36। तो गाइज इसमें जो है आपने 4 सेट ऑलरेडी हमारे पड़े हुए हैं, जिससे हमें डायरेक्ट वेल्डिंग करना है, उसे हम नहीं छेड़ेंगे। अब जो है हम पहले डालेंगे 18 चक्कर वाली। तो गाइज आप 18 चक्कर वाली जो है इसको वाइंडिंग आपको करनी होगी पहले, सबसे पहले हमें 18 चक्कर वाली डालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नीटल है ये मेरी साइड में मैंने ले लिया है, यानी कि जो इसकी इनर वायर है वो अपनी साइड में करने के बाद इसे हमें न्यूट्रल बनाना होगा। जो न्यूट्रल होगा इसकी, ये वाली वायर को न्यूट्रल बनाएंगे, जो सबसे फर्स्ट वायर होगी, यानी कि फर्स्ट सेट की, ये फर्स्ट पोल हो गया इसका, फर्स्ट सेट मान लो, इसका फर्स्ट पोल कह सकते हैं आप इसे। इनकी पिच 8 पे ये डल चुका है, यानी कि अब आप जैसे कि समझ पा रहे हो कि पिच 8 पे हमने इसे डाला, बीच में आगे 2 स्लॉट खाली रह गई हैं। अब ये जो है न्यूट्रल बना दिया, इसके हमने ऊपर स्लिप चढ़ा करके इस पर मैं मार्क से निशान लगा दूंगा, ताकि आगे मुझे धोखा ना लगे बिल्कुल भी। तो मैंने इस पर न्यूट्रल का मार्क लगा दिया। तो गाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं होने वाली, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहे हैं गाइज़। इसके बाद में हमें कनेक्शन नहीं करने पड़ेंगे इसके बिल्कुल भी, बट डायरेक्टली कनेक्शन है इसके। अब हमें दूसरी, तो इसमें मैं पहले इसे लॉक कर देता हूँ, क्योंकि अभी चारों वायर डलेंगी, चारों कॉयल डलेंगी तो ये निकलने के चांसेस हैं। अभी इन्हीं के ऊपर जो है हमें और भी कॉयल्स डालनी है, यानी कि 2 चक्कर वाली, 3 चक्कर वाली और 4 चक्कर वाली, तो यहाँ पर निकलने के चांस है। तो मैं इसलिए इसके अंदर पेपर लगा दिया मैंने। तो अब इसे जो है आप देख पा रहे हैं कि अब सेकंड वाली कॉयल्स डालनी होगी, तो इसके हमें डायरेक्ट कनेक्शन करने होंगे, सीरीज़ कनेक्शन। तो गाइस इसमें सीरीज़ कनेक्शन आप समझ पा रहे हो कि मैं आगे डायग्राम बनाया छोटा था, आप समझ जाओगे कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर पिच 8 पे इसे भी डालेंगे, यानी कि जो इसकी इनर वायर है इस वाले सेट की, वो हमने आगे की साइड ले ली है। जो आउटर वायर है वो मैंने अपनी साइड में कर ली है, इस सेट की, पहले वाले सेट की आउटर वायर जो आगे की साइड की थी, इनर वायर अपनी साइड की थी। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हमें प्रोसेस करना है। तो इसमें डायरेक्ट कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है, बहुत सिंपल है। आपको सीरीज कनेक्शन की अदर वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सीरीज कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं उसमें। तो अब ये तीसरी वाली कॉयल डालनी होगी, तो तीसरी वाली कॉयल यानी कि जो सेकंड वाली कॉयल है उसका जो आउटर वायर है, तो इसे तीसरी वाली कॉयल का इनर वायर बनेगा, तो वो हमें अपनी साइड में करना है, यानी कि ये जो है अपनी साइड में हो जाएगा। जो सीरीज घूम रही है इसकी पूरी कंप्लीट, आपको सीरीज कनेक्शन ऐसा ही करने होंगे टोटल, सभी सीरीज कनेक्शन एक जैसे होते हैं। तो गाइस ये सीरीज कनेक्शन वही सीरीज कनेक्शन है जो सिंगल फेस में है, और ये सिंगल फेस वाली मोटर है, सिंगल फेस मोटर में जनरेटर में सब में एक ही होते हैं। तो अभी से पिच 8 पे हमने डाल दिया, बीच में एक स्लॉट खाली रहेगी, यानी कि पिच 10 के लिए। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, अब चौथी कॉयल डालेंगे। जो इस वाली तीसरी वाली कॉयल का जो आउटर वायर है वो चौथी वाली कॉयल का इनर है, तो उस इनर वायर को हम आगे की साइड कर देंगे, क्योंकि उसका आगे की साइड है ऑलरेडी। तो इस वाले को जब हम आगे की साइड कर देंगे, तो जो इसका आउटर वायर बना है वो मेरी साइड में, यानी कि पीछे की साइड में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये पीछे की साइड में ये पहुंच चुका है, अभी पीछे की साइड में पहुंच चुका है। इसे हमें पिच 8 पे डाल दिया, कंप्लीट हो गया है सब कुछ।
इतना कंप्लीट होने के बाद अब जैसे कि ये न्यूट्रल बन चुका है, अब इसकी ये बनेगी आपकी फर्स्ट वायर, यानी कि A1 जो लूप में जो लूप वाली वायर थी ना चार, उनमें ये A1 बनेगी। इस पर सबसे कम करंट रहेगा, यानी कि इस वायर से जो है आप देख पा रहे हैं सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारे सीरीज कनेक्शन हमें करने होंगे, यानी कि जो हमें और जो दो टर्न वाली तीन टर्न वाली जो कॉइल हमें डालनी है, ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। उनको हमें कुछ भी नहीं घुमाना उसके अंदर, बस मैं आपको कॉइल डाल के दिखाता हूँ कैसे हमें डालनी है। तो गाइस कनेक्शन आपको इजीली समझ में आ चुका है, वो ये A1 वाली वायर हमारी बन चुकी है, यानी कि जो न्यूट्रल का हमारा सबसे पहले वाली वायर सेकंड न्यूट्रल बन चुका है, लास्ट वाले का A1 बन चुका है। तो बिल्कुल सारे सेम है, चक्कर सब में 18 है। तो गाइस जो 18 टर्न वाली हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें 2 टर्न वाली डालनी होगी। मैं चाह रहा हूँ आपकी 2 टर्न वाली हम डालेंगे, तो सबसे कम करंट जो रहेगा वो 18 टर्न वाली पे, यानी कि 1 नंबर लूप पर रहेगा। जो हमें वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग के जो एम्पियर निकलेंगे जिससे हमें राड गलानी होगी, वो 1 नंबर वाले पे सबसे कम होगा करंट। तो गाइज यहाँ पर 1 नंबर, अब इसके ऊपर जो हमें इसी के ऊपर 8 पीस पे हमें डालनी है, सिंपल सा इसी के ऊपर डालनी होगी। तो इसका पेपर मैं निकाल देता हूँ, पेपर निकालने के बाद ये मुझे जो 2 टर्न वाली कॉयल है वो डालनी होगी। अब इसका भी जो है इनर वायर अपनी साइड में करना है, यानी कि पहले सेट का जैसे सेम नीचे वाला 18 वाला किया, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो गाइज जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो इसका इनर वायर है मैंने अपनी साइड में ले लिया, यानी कि न्यूट्रल वाले वायर के ठीक ऊपर आ चुका है। न्यूट्रल वाला जो वायर है 18 चक्कर वाला, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर आ चुका है। अब ये जो है हमने अपनी साइड में ले लिया, ठीक ले लिया। अब इस वाले वायर को जो 18 चक्कर वाली का जो आउटर है उसके साथ में हमें मिला देना है, यानी कि इसके साथ में हमें इसे कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन यानी क्लिप से कनेक्शन करेंगे, आप चाहो तो वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर क्लिप से कनेक्शन करेंगे अब इसका। तो इसमें मैंने स्लिप डाली है ताकि ये जो है शॉर्ट वगैरह ना हो। तो गाइस आप समझ पा रहे हो कि ये 1 नंबर हमारा बन चुका है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो गाइस ये 1 नंबर बन चुका है, यानी कि इस पे सबसे कम करंट रहेगा DC वाला, यानी हम जो वेल्डिंग करेंगे वो सबसे कम करंट रहेगा। अब दूसरी वाली डाल देंगे, दूसरी में सेम कनेक्शन कर रहे हैं, फिर तीसरी डाल देंगे, चौथी डाल देंगे, पूरा सर्किट ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे हम। इसमें हमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, सभी में हमें ऐसा ही करना होगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो आउटर वायर बन गई है न्यूट्रल, ये फर्स्ट वायर यानी कि A1। अब ये जो है इसका आउटर वायर बना है, ये हमारा बनेगा A2, यानी कि इस पर थोड़ा सा करंट बढ़ेगा। आपने नोटिस किया होगा जनरेटर में जब भी कभी वोल्टेज बढ़ाने होते हैं तो उसके टर्न बढ़ाने होते हैं, तभी उसके वोल्टेज बढ़ते हैं। तो हमें इसमें डालनी होगी 3 चक्कर वाली कॉइल, यानी कि 3 चक्कर वाले हम सेड इसके अंदर डालेंगे। तो गाइज इसका भी हमें सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले किया वैसा ही करना है। जो इसका इनर वायर है वो अपनी साइड करके, यानी कि न्यूट्रल वाले के ठीक ऊपर करके इसका सेट डाल दिया पहला वाला, यानी कि जो एक जो स्लॉट दिख रहा है ना, इसी स्लॉट के अंदर से सारी वायर निकलेंगी, और जो लास्ट वाले की स्लॉट है ना उसके अंदर से सारी वायर आउटर वाली निकलेंगी, सारी इनर वायर इधर से निकलेंगी। अब इन दोनों को हम कनेक्शन कर देंगे, यानी कि नहीं 2 नंबर ये बन चुका है, यानी कि 2 चक्कर वाली और 3 चक्कर वाली की, इन दोनों की कॉइल हमने मिला दी, 2 चक्कर वाले की आउटर और 3 चक्कर वाले की इनर, दोनों मिला के 2 नंबर बन चुका है। अब इसके जो है बाकी के सेट हमने डाल दिए। अब ये डालेंगे हम 3 चक्कर वाली, ओ सॉरी 4 चक्कर वाली, हमारी तीन वाइंडिंग डल चुकी है ना, 18 चक्कर वाली, 2 चक्कर वाली, 3 चक्कर वाली, अब जलेगी 4 चक्कर वाली। इसका जो बनेगा ये नंबर 3 बन जाएगा। बिल्कुल इसको भी सेम प्रोसेस जैसा करना था और हमें क्या है सेम वैसे ही कर दिया है। हमारी 4 जो हमने कॉइल बनाई थी पिच 8 के लिए, वो चारों इसके अंदर डल के रेडी हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर ये 3 नंबर जो बना है इस पर थोड़ा सा करंट तो बढ़ जाएगा। इसकी जो आउटर वायर है इस पर ये 4 नंबर बनेगी, इस पर करंट और भी बढ़ जाएगा, यानी कि हाई करंट जो हमें मिलेंगे 400 एम्पियर वो उस पर 4 नंबर पर मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर अब हमें डालनी होगी 10 टन वाली की पिच 10 पे, 10 टन वाली पिच 10 पे हमें वाइंडिंग करनी होगी। तो गाइज इसके 4 सेट पूरे कंप्लीट हैं। अब इन 4 सेट को हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना होगा जैसे हमने बाकी ये किए हैं। जो बाकी जो बीच में जो खाली स्लॉट बची है उसके ऊपर हमने, यानी कि जो इसका इनर वायर है अपनी साइड में न्यूट्रल वाले इसकी साइड में करा, मगर पिच जो है वो 10 रहेगी, उसकी पिच 8 थी, तो इन दोनों की इसकी पिच जो है वो 10 रहेगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, यानी कि पिच 10 पे इसे डाल दिया है। तो गाइज यहाँ पर जो इसका इनर वायर है वो न्यूट्रल वाले की साइड में है, यानी कि जो पिच 8 वाली का जो सेट था जिस पे हमने जो 4 चक्कर वाली डाली थी, तो उस वाली का
आउटर वायर जो चार नंबर बनेगा और इस वाली का इनर वायर, इन्हें दोनों को एक जगह करके ये चार नंबर बनेगा, यानी कि A4, इस पर सबसे हाई करंट रहेगा। तो यहाँ पर अभी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइस यहाँ पर ये पूरी सीरीज बनेगी और जो लास्ट में जो इस वाले जो सेट का ये पिच 10 वाला जो है, इसका जो लास्ट वाला सेट रहेगा उस पर 220 हमें वोल्टेज मिलेंगे। यानी कि यही जो वाइंडिंग है उस डायरेक्ट वेल्डिंग वाले को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर मैंने इस पर पिच 10 पे जो है बड़ा पेपर लगाया है, क्योंकि ये पिच जो है 10 सिंगल स्लॉट है, एक एक साइड, यानी कि चार स्लॉट खाली हैं और चार ही सेट हैं, तो सब ये डबल होंगी एक दूसरे पे, तो ये एक दूसरे में शॉर्ट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बड़ा पेपर लगाया है। और चार नंबर भी हमें मिल चुका है, हमें चार नंबर इसके मिल गए हैं पूरे कंप्लीट। तो गाइज इसको मैं पिच 10 पे सारे सेट में इसके डाल दूंगा, पिच 10 पे आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें सारा वाइंडिंग आपकी समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे, मैंने बहुत ही मतलब खोल के बताया हर एक चीज़ को। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसका यानी कि जो लास्ट वाला सेट है यानी कि पिच 10 का, उसका जो हमें आउटर वायर मिला है, इस पर हमें 220 वोल्ट, यानी कि इस पर हमें वोल्ट जो 220 वोल्ट हैं वो हमारे कंवर्टी नहीं होंगे, ये डायरेक्ट मिलेंगे। इस वाले पे हमें वेल्डिंग भी यूज़ नहीं करना, यानी कि ये लूप में भी नहीं लगेगा। तो इस पर हमें 220 मैंने इस पर लिख दिया है, 220 फेस है हमारा जो डायरेक्ट बाहर जाएगा, इसे हमें किसी और वायर से कनेक्शन नहीं करना है, यानी कि फील्ड में इसका करंट हमें नहीं देना। फील्ड में करंट इसका अगर जो देते हैं तो फील्ड ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके वोल्टेज जो है वो हाई हो जाएंगे। फील्ड को वोल्टेज जो चाहिए वो कम चाहिए, समझ रहे हैं आपके फील्ड को जो वोल्टेज चाहिए वो कम चाहिए, तो इसलिए उसके हाई वोल्टेज जाएंगे फील्ड ख़राब हो जाएगी। इसका करंट हम उसमें देते हैं, तो इसमें 220 वोल्ट हैं, उनमें वोल्ट कम हैं। गाइस ये वाइंडिंग हो चुकी है, अब हमें इसमें अस्तर पेपर लगाना होगा, यानी कि जो वेल्डिंग सेट है उसके और जो एसी 220 है इनके बीच में अस्तर पेपर लगाएंगे और उसके बाद में इसमें बंद बांध देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं इसमें आपको बंद बांध के नहीं दिखाऊंगा, बस मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। आपको बंद बांधना सीखना है तो मेरी अदर वीडियो पड़ी है काफ़ी सारी, उनमें से कोई भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं जिनमें बंद बांध के मैंने पूरा कंप्लीट दिखाया है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन वाली साइड में आ जाता हूँ, तो मैंने इसमें भी अस्तर पीछे की साइड में यानी कि लगा दिया है। अब जो ये 220 वोल्ट वाली जो लास्ट वाली वायर वो है सेट हमारे यानी कि पिच 10 पे, इनके बीच में जो है हमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ नीचे मैंने जो वाइंडिंग की है 18 उस पर पिच 8 की 18 चक्कर वाली, उनके बीच में उनके काफ़ी सारे टर्न बीच में पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में ना इसके एक और पेपर लगाया है ताकि जो उस वाइंडिंग से जो है ना ये वाली वाइंडिंग टच ना हो, समझ पा रहे हैं आप, जो 220 वाली है उससे टच ना हो, इसलिए मैंने इसके बीच में पेपर लगा दिया अस्तर। पहले अस्तर पीछे लगाया और फिर बाद में इन दोनों के बीच में है यानी कि चारों पोल के सेंटर में लगा दिया। सब ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिंपल यानी कि इसमें बंद बांधना होगा। अब ये सारी जो है तारे हमें बाहर निकाल देनी है, क्योंकि कनेक्शन ये ऑलरेडी सारे हो चुके हैं, कनेक्शन हमें अब नहीं करने हैं, इसके वाइंडिंग वाले कनेक्शन नहीं करने, वाइंडिंग के टोटल कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं। अब इसमें हमें सिंपल सा बंद बांधना होगा, यानी कि जो है हर वायर जो हमारी ये वायर है इनको हमें बंद से बांध देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डीसी वाली वायर ये अलग है, जो एसी वाली वायर है वो अलग है, ये वायर भी डीसी वाली नहीं है गाइस, इसमें बस खाली वोल्टेज ही कम है, ये वेल्डिंग करती है, यानी डीसी नहीं होती है, ये भी एसी होती है, क्योंकि इनमें हमने जैम्बर तो लगाया नहीं है, जैम्बर से ही डीसी कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट डीसी नहीं निकालती कोई सी भी वो। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में इसमें हमें धागा यानी कि कॉटन टेप से इसको जो है बंद को बांधना होगा। ये कट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अधिकतर जब भी हम कभी बंद बांधते हैं तो ये ऊपर को भाग जाता है अस्तर, अस्तर जब ऊपर को भागते हैं तो ये जो है ना जो हमें मकसद हमारा जो होता है अस्तर को लगाने का वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसलिए जो है इसको ऊपर को मोड़ा है, पेपर मैंने बड़ा करके लगाया है और उसको ऊपर को मोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल लॉक हो चुका है यानी कि ऊपर नहीं भागेगा, यानी कि बीच में जो लगा हुआ पेपर है वो वहीं के वहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसका जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करता हूँ, मुझे जल्दी ही करना होगा, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी। तो गाइस यहाँ पर मैं इसकी स्पीड बढ़ा करके आपको जब दिखाऊँगा।
तो गाइज यहाँ पर बंद इसके बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसके ऊपर वार्निश भी कर दिया है, और वार्निश करने के बाद इसका जो है हमें फिटिंग करनी होगी, यानी कि जो हमें जनरेटर हमने वाइंडिंग कर लिया है, अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले इसके मैं कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसका ऊपर वाला बॉक्स लगा लिया है, इसमें जो है 220 हमें वायर मिल जाती है, दो क्लिप मिल जाते हैं जिसे हमें वेल्डिंग डायरेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी वायर को सबको छील लिया है, यानी कि न्यूट्रल और फेस पर जो हमें क्लिप लगाना होगा, और जो यू ओ टाइप क्लिप जो हमें न्यूट्रल फेस पे लगेगा, और जो बाकी के जो हमें लूप वाली वायर है जिससे हमें करंट कम और बढ़ती करना है, एम्पेयर को घटाना और बढ़ाना है, उनमें हमें यू टाइप का क्लिप लगाना होगा। तो मैं इसमें क्लिप लगा कर आपको दिखा देता हूँ कि क्लिप हमें कैसे लगाना है। तो क्लिप मैंने इसमें डाला, और ये लगाने के बाद मैं इसे पंच मशीन से इसको पंच कर दिया है। तो पंच होने के बाद ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा, क्योंकि डबल वायर है ना, तो इसमें हमें लूजिंग नहीं रखनी है गाइस। तो यहाँ पर लूजिंग रख दी किसी वजह से, और वायर में जो है सिंगल में करंट जाने लगा, तो ये वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी दोबारा से। तो गाइस यहाँ पर मैं यू टाइप का क्लिप इनमें लगा देता हूँ, यानी कि जो चार वायर हैं उनमें मैं यू टाइप के क्लिप लगा देता हूँ। जो मैंने ओ टाइप के क्लिप हैं ये मैंने न्यूट्रल और फेस पर ही लगाए हैं। चारों कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि छः वायर सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें जो फेस है वो फेस जो है वो डायरेक्ट बाहर जा रहा है गाइस। तो फेस वाला जो है 220, यानी कि ये डायरेक्ट बाहर जाएगा, ये हमें जेम्बर में नहीं देना है। जो हमें जो डीसी का जो सर्किट हमें फील्ड को करंट देना है वो इससे नहीं देना है। अब ये न्यूट्रल वाला मैंने इस पर लगा दिया, ये डाइवर्ट कनेक्शन प्लेट है। अब ये मैं A1 इसमें लगा देंगे, तो इन पर सब में A1, यानी कि नंबर एक वाला A1 पे लगा देंगे, नंबर टू वाला जो हमें A2 पे लगा देंगे। ये रोटरी में कनेक्शन कर देने हैं हमें ऐसे ही सभी के, यानी कि चार जो वायर है हमारी A1 A2 A3 A4, यानी कि चारों जो है हमें रोटरी में कनेक्शन हमें इनमें करने होंगे। A2 लगा, अब A3 A4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये करंट भी इनमें भी करंट पैदा होता है, ये भी करंट, यानी कि जो फील्ड को करंट इन्हीं से मिलेगा हमारा। अब रोटरी के थ्रू या न्यूट्री के न्यूट्रल है हमने ऊपर वाले उसमें लगाया। अब ये रेड वाला जो केबल दिख रहा है आपको, ये केबल जो है उसमें जाएगा जो रेजिस्टेंस है। तो गाइस रेजिस्टेंस से करंट हाई लो आपने बाहर इसमें बाहर देखा होगा, करंट का हाई लो का सिस्टम भी होता है इसके अंदर। तो हाई लो यानी कि ये जेम्बर न्यूट्रल फेस तो हमने डायरेक्ट बाहर डाल दिया। अब ये न्यूट्रल आप देख पा रहे हैं कि इधर की साइड में आ रहा है, ये न्यूट्रल वाली वायर जो है ये जेम्बर को मिलेगी। अब एक वायर ये जेम्बर वाली भी आ चुकी है, तो यानी कि जो इस रोटरी से ये रोटरी से जो करंट पास होकर आपको मिलेगा ये जेम्बर को मिलेगा, यानी कि हमें जो एम्पियर जो घटे बढ़ेंगे वो लूप जो है एक नंबर पे कम एम्पियर होंगे, दो नंबर पे थोड़े एम्पियर बढ़ जाएंगे, और तीन नंबर पे एम्पियर और बढ़ जाएंगे, चार नंबर पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा इसका सिस्टम है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसकी जो फील्ड है फील्ड वाले जो है वायर में इसके अंदर डाल देता हूँ। तो फील्ड में हमें कनेक्शन देने होंगे, यानी कि फील्ड में जेम्बर से करंट देना होगा। तो फील्ड के जो दो पोल, यानी कि जो इसमें दो पोल खाली हैं उनमें मैंने लगा दिया है। तो जो अभी इसकी वायर रेड वाला जो वायर है रेड केबल जो है ये हम इसके अंदर लगाएंगे रेजिस्टेंस के अंदर। रेजिस्टेंस से जो है हमें हाई और लो का करंट, यानी कि करंट यानी कि ए नंबर पे हम चलाएंगे उसमें भी हाई लो कर सकते हैं, बी पे और टू पे चलाएंगे ए टू पे उसमें भी हाई लो कर सकते हैं, और ए थ्री पे चलाएंगे उसमें भी हाई लो, ए सी फोर पे भी हाई लो कर सकते हैं। हाई लो एक ही उसमें हो जाएगा, यानी कि जो इस रेजिस्टेंस से जब घूम के जाएगा तो लो चक्कर होंगे, रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कर देंगे स्विच से तो वो हाई हो जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होगी उसके अंदर। तो जब रेजिस्टेंस यूज़ होगी तो उसमें लो चक्कर हो जाएंगे। तो अब इतना कनेक्शन हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं डायोड लगा देता हूँ, यानी कि फील्ड को हमें माइनस और प्लस देना होता है, और जेम्बर में जो है हमें प्लस माइनस वाले पे हमें करंट देना होता है। तो माइनस मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है अपने, यानी कि लेफ्ट साइड में मैं माइनस वाले को वो प्लस वाले को ले लिया है, और राइट साइड में माइनस वाले को ले लिया है। तो ये ऐसे करके हमें लगा दिया है। करंट नहीं बनाता है तो इसमें डायोड को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि करंट नहीं बनाता है तो डायोड को चेंज कर देंगे, तो जो प्लस वाला जो पॉइंट हमने लिया है फील्ड को वो राइट साइड में ले लेंगे। ऐसे करके ये डायोड चेंज करने के बाद हो जाता है। अब फील्ड को हमें ये 25 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर 440 वोल्ट वाला हमें फील्ड पे लगाना होगा, यानी कि प्लस और माइनस के साथ में। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके फील्ड पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि फील्ड वाली जो दो वायर हैं उसी खुट्टी के ऊपर मैंने इसे लगा देना है। अब ये डीसी वाला करंट पास करने के लिए हम इस पर लगा देंगे, और ये इस पर मैं स्लिप वगैरह लगा करके इस पर प्लग वो लगा देता हूँ, थिम्बल मैंने इस पर लगा दिया है। इतनी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी, यानी कनेक्शन आपको समझ में आ चुके होंगे कि कनेक्शन हमें भारी कैसे करना है। मैंने फील्ड भी इसके अंदर इसके लगा दिए। अब ये जनरेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब ये कह रहा है कि मुझे चलाओ। तो गाइज अब इसको लेकर चलते हैं हम इसके इंजन पर। तो गाइज यहाँ पर हम इसको इंजन पर लेकर आएंगे इसके,
और इंजन पे ले जाने के बाद मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें 220 वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे हमें मिलेंगे 220 न्यूट्रल फेस, यहाँ पे मिल जाएंगे हमें वेल्डिंग आउटपुट, और ये रोटरी वो है जिससे वेल्डिंग का जो है हमें एम्पियर घटे और बढ़ेंगे। ये हाई लो जो मैं आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा, ये हाई पे यानी कि रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होगी और लो पे रेजिस्टेंस यूज़ होगी। इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। अब इसको सिंपल सा फंडा ये है कि अब लेके चलेंगे हम इस पे जनरेटर सेट पे, इंजन पे। अब ये इंजन सेट पे आ चुका है, इसका मैंने सारे कनेक्शन यानी कि इसके जो आउटर वायर है वो हमने ले लिए, डीसी वाली जो आउटपुट है वो हमने बाहर ले ली वेल्डिंग करने के लिए, जो इसकी आउटपुट एसी वाली है 220 वाली वो हमने बल्ब में डाल दी है डायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पर हमें बल्ब चलाना होगा इससे, और यहाँ पर इंजन अब स्टार्ट कर देते हैं। गाइस इंजन स्टार्ट हो चुका है, अब इसका वेल्डिंग करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं पहले नंबर पर वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो पहले नंबर पर वेल्डिंग यानी कि थोड़ा सा कम है, यानी कि ये जो है अभी हमें वेल्डिंग जो है करना है, ऐसी वेल्डिंग हम करके देखेंगे यानी कि चारों नंबर पर कम गति का होता रहेगा, यानी कि जो चार नंबर है उसका हाई हो जाएगा। 220 वोल्ट वाला जो है हमारा बल्ब ये जल रहा है, यानी कि 220 वाला सर्किट भी काम कर रहे हैं, फील्ड को भी करंट मिल रहा है तो वेल्डिंग भी हो रहा है, फील्ड को करंट नहीं मिलेगा तो वेल्डिंग भी नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ही इनके ऐसे बनते हैं कि फील्ड को करंट मिलेगा अभी ये वेल्डिंग होगा। अभी जब हमने लो पे कर दिया, पहले हाई पे था, अब लो पे करा तो देखो वेल्डिंग ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो गया, गार्ड से बनाने लगी थी। अभी एक नंबर पर चलता है, एक नंबर पर ही हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जिनको फिर से हाई पे करा अब तो फिर से चलाएंगे, इनकी रोटी को घटाएँ बढ़ाएंगे, इनकी रोटी को हम चार नंबर पर तीन नंबर ऐसा टेस्ट करके हम देखते रहेंगे। भाई इसमें हमें सभी कुछ बिल्कुल अभी तक बिल्कुल बढ़िया से हो रहा है, सारा काम अच्छा हो रहा है। तो भाई यहाँ पर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी वॉइस के साथ, और वीडियो को वॉच पूरा करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।